गाइस जय सियाराम, सत श्री अकाल, केम छुमा जमा, हम भी अच्छे हैं। तो मैंने वॉक कर ली है, मैंने कहा चलो वॉक करने के बाद वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ था। एक्चुअली आई एम गेटिंग बोर, सो आई वांट टू चेंज। पता नहीं है कब होगा क्यों नहीं, क्योंकि सवा महीना ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हो गया, सेम वही रूटीन है, सब कुछ है। कुछ लोग भी बोर हो चुके हैं मेरे ब्लॉग देखे, तो सोचो मैं तो वही लाइफ जी रही हूँ। सो आई वांट टू चेंज, बट पता नहीं क्या होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कठुआ चली जाऊं दीदी के पास थोड़े दिन के लिए, मे बी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएं। मम्मा को साथ में ले जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि पापा अकेले रह जाएंगे। मुश्किल होती है ना खाना बनाने में या कुछ है। सो देखते हैं क्या करती हूँ, कुछ तो करूँगी, बिकॉज मेरा मन नहीं लग रहा। मैं बोर हो रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, सब बोल रहे हैं मायके कब जाओगी जाओगी, भाई चली जाऊँगी, अभी नहीं जाना है, और जाऊँगी भी सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही जाऊँगी। क्योंकि मुझे होता है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ससुराल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ना कि मायके में, क्योंकि मायका अब छोड़ ही दिया है। तो वैसे भी जब भी वहाँ से आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं मतलब ज़्यादा अटैचमेंट डालना नहीं चाहती अगर मेरी ज़्यादा फिर से डल गई। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं स्टार्टिंग में 1 साल मुझे बहुत दिक्कत हुई थी रहने में यहाँ पे, तो अभी दोबारा ही अगर मैंने वही मोड डाल लिया तो फिर मुझे रहा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं जाऊंगी पर थोड़े दिन के लिए। वो छोड़ो, पहले व्यू देखो, फर्स्टली नज़ारे देखो, धुंध बड़ी है बिल्कुल वहाँ से, बहुत अच्छा है। बट आज हवा नहीं चल रही है, सो थोड़ा सा चिपचिप वाला माहौल है। बट उधर साइड सारी पहाड़ियाँ है ना, धार मानपुर पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ तो एकदम ठंडा मौसम होगा, एकदम ठंडा मौसम। ना बादल कैसे आ रहे हैं, चल के क्या, उड़ के जैसे मर्जी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं इधर की तरफ। पर मेरी काली जुबान है, मैं बोलूँगी नहीं कुछ, क्योंकि ये देखो घर देखो सामने दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं पहाड़ों में। बोलूँगी नहीं कुछ, कल बोला था तो बारिश नहीं हुई थी, बारिश हो गई है शुरू, तो चलो नीचे चलते हैं। ऐसे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बट हो जाएंगी क्योंकि बादल बहुत घने हैं, हो जाना यार। जय माता दी। तो ये माची सीने चलती है, ये तो मतलब वेसेज ऑफ मनी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करवा लेती हूँ। बाकी जो लोग मुझे, कई लोगों को भुलेखा लगता है कि मैं हिमाचल तो हूँ, तो मैं थोन दसदा कि मेरी मम्मी हिमाचल तो है, इसलिए मैं हिमाचली समझ लैनी हूँ, थोड़ी थोड़ी बोल भी लैनी हूँ, पहाड़ी भी मैं थोड़ी थोड़ी बोल लैनी हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ भी लैनी हूँ, बट टिपिकली पंजाबी हूँ मैं, तो पंजाबी मैं वट कटे हुए ने। बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, मतलब आप देखो तो सही, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना बह जाएगा साथ में, मिट्टी मिट्टी सब ले जाएगा। अच्छा है, बारिश होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ 4-5 दिन लगातार बारिश होनी चाहिए, बर्फ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कई घरों में नुकसान हो जाएगा। वो कैसे आ रहा पानी, वो देखो नाले में कैसे बह रहा है, बाप रे बहुत ज़्यादा है। आई मज़ा आ गया। बस ये है कि जो बेचारों के पुराने घर हैं, भगवान जी रक्षा करें, बस थोड़ी सी कम हो जाए, नहीं तो ऐसे कितनों का नुकसान हो जाएगा। बहुत तेज बारिश है। अभी देखो सब्जी बनी है तो किचन कितना अच्छा लग रहा है, जैसे ही फुलके बनेंगे तो टुकड़ा ही टुकड़ा पूरे किचन दे बेच दे, किचन इतना गंदा लगेगा। आप बोलोगे आज फिर शिमला मिर्च, क्योंकि ना वो खराब हो रही थी, तो इसलिए मम्मी बोलते बना ही देते हैं। तो शिमला मिर्च है आज सब्जी में, और साथ में है चपाती, सूखे आलू अनगी के लिए अलग से पड़े हैं। अनगी को नहला दिया, नीचे का काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ पोचा लगाने वाला है। मम्मी ने झाड़ू लगा दिया था, तो सबको खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया है। अभी ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर बिस्तरे समेटने वाले हैं, घर पूरा मेस है, उसको क्लीन करना है, फिर नीचे आके पोचा लगाऊंगी। फटाफट काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मुझे जाना है मार्केट। मार्केट नहीं जाना है, अपने घर से थोड़ा सा दूर है, हॉस्पिटल है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है, शायद 1.5 किलोमीटर, पता नहीं, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ना वहाँ थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है सर दर्द की, उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा कुछ काम भी है, तो मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ। मेरे को भाजड़ा पियाँ ने, क्योंकि ना अनगे का ना एक्चुअली क्या होता है कि उसको कौन सा फ्रूट पसंद है नहीं पसंद है, पापा को थोड़ा आइडिया नहीं है। कुछ सामान ऐसा होता है जो मैं पापा से नहीं मंगवा सकती, तो मुझे लाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं खुद ही जाती हूँ। बाकी मेडिकल स्टोर से सामान ले लिया, दवाई लेनी थी ले ली है, उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल दिखाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका गांव कौन सा है, तो ये देखो जी सामने देखो हॉस्पिटल, मैं जूम करती हूँ, जी 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 यही वाला गांव है हमारा, देख लीजिए।
बाद में ना ये देखो बन रहे थे मोमोज, मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। बाहर का, अंदर का, घर का सारा काम निपटा के अब हो गया फ्री। एक्चुअली मेरा मन था बाजार जाने का क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है, बट मेरा कपड़े चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं था और बाजार ऐसे नहीं जाने देंगे घर वाले, कहाँ हम पजामा टी शर्ट पहन कर खे खाए ही तक खाए थाए थाए होना इतने। चलो कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, सोने सनखे बन के जाना मैनू पसंद नहीं है, इसलिए कल जावांगे। कल संडे है, कल भी नहीं जा होना, मंडे है, फिर बिजी हो जाना है। देख दिया कुछ तो सोल्यूशन निकालना पैना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब बारिश होने के बाद से ना ह्यूमिडिटी, पसीना, स्वेटिंग ऐसा होना शुरू हो गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप यहाँ वीडियो क्यों बनाते हो, आप मतलब अपना लोकेशन चेंज करो। मैं मोस्टली करती हूँ, बट जब कोई मेरा फ़ोन होल्ड करने वाला होता है, कोई होता नहीं है, तो मैं कब तक किसी को बोलती रहूँगी कि मेरा फ़ोन पकड़ो, कोई नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए खुद ही यहाँ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ स्टैंड लगा लेती हूँ, यहाँ पे जगह है, वहाँ पे अपना फ़ोन भी रख लेती हूँ, सो कोई देखता भी नहीं है। अब इस पर लोग बोलेंगे कि कोई देखता नहीं है तो सोशल मीडिया पर देख ही लेंगे। पहली बात, हमारे गांव में बहुत कम लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी छोटा वाला फ़ोन है। ऐसा नहीं है कि हमारा गांव अपग्रेड नहीं है, है, बट फिनांस भी मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि आपके बुजुर्ग है सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ कल्चर है घूंघट निकालने का, बट मैं सर ढकती हूँ तो ठीक है, इतना मतलब है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पर्दा हटा के उनके सामने चले जाऊँ। फॉरेन में मेरी लाइफ अलग है, सोशल मीडिया में मेरी लाइफ अलग है। मतलब सोशल मीडिया में और फॉरेन की लाइफ मेरी ऑलमोस्ट मिलती है, क्योंकि मैं हंसमुख हूँ, हंसती रहती हूँ। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उसको भी हंस के टालती हूँ, कोशिश करती हूँ भूल जाने की, तो मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा कम बात करती हूँ, मुझे सोशल मीडिया में ज़्यादा बात करनी पड़ती है, घर में मैं थोड़ा कम बात करती हूँ। तीसरी बात ये है, एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि हमने अपने बच्चों को जैसा पैदा किया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें वैसा पैदा किया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे सामने वो गाथा खोल के बैठ जाए कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वैसा ही है कि ये सोशल मीडिया की लाइफ मेरी अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करूँ, या फिर वो सामने से निकल रहे हैं तो हम ऐसे ही बैठे रहे, अपना लगे रहें। सो वो एक अलग मेरी लाइफ है, ये मेरी अलग लाइफ है। मेरे घर में कुछ रूल रेगुलेशन है, कल्चर है हमारे, सिर्फ मेरे घर में नहीं, यहाँ सबके घर में कुछ संस्कृति है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। बट हमें इतना फ्रीडम है कि हम एक अपनी अलग लाइफ जी सकते हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, तो अभी नीचे जाऊंगी क्योंकि इनको पहन के बड़ा रिलैक्स फील होता है, तो आसानी से काम हो जाता है किचन में, नहीं तो बहुत पसीना आता है। तो अभी किचन में मैंने चने, वाइट चने उबलने छोड़े हुए थे, तो मुझे लगता है उसकी तरी कोई नहीं खाएगा, तो मुझे ड्राई वाले बनाने, क्योंकि सब लोग चपाती खाते हैं तो चपाती के साथ ड्राई वाले अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ कुछ नहीं है, हल्का सा उसको प्याज डाल के, टमाटर डाल के सॉटे करना होता है। बाकी ना हमारे यहाँ पास में है थोड़ा सा आगे जाके है, तो मुझे नहीं पता था, उनकी बहन ना 31 तारीख से लापता है, तो मैं वैसे फ़ोटो मेंशन कर दूंगी, या नहीं सही नहीं रहेगा क्योंकि मेरा व्लॉग रहता है, मैंने इंस्टाग्राम पर फ़ोटो पोस्ट की है, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो उनकी ना बहन लापता है तो 31 तारीख से, तो उनको नहीं पता था, मतलब उनके दिमाग में नहीं आया कि मुझे एक बार बोल दे, नहीं तो मैं सोशल मीडिया में पा सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाती है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, तो जो जो इंस्टाग्राम देखते हैं प्लीज़ वो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी आईडी में मेंशन करती हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो, तो फोटो है। तो आप अगर कुछ भी आपको मिलता है, जुग्याल, पठानकोट, कठुआ, साथ में लगता है सब कुछ, तो अगर कोई किसी को भी उसके बारे उनके बारे में कुछ पता लगता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन सारी मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी है, तो आप विजिट करके एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। उनका क्या मतलब है, आप नीचे क्या कर रहे थे, मैं कब से बोल रही हूँ नगू सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आप सुन रहे थे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। खाना आप तो नहीं खाते हो, मम्मा को परेशान करते हो, पापा जब आएंगे ना मैं आपकी क्लास लगवा दूंगी, आपको डांट पड़ेगी। क्या मैं पापा को बोलूंगी कि नगू मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनको कोई टॉय नहीं लेके देना है, चुप कर जाओ। चलती हूँ नीचे, फोन यहीं छोड़ के जाऊंगी, तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द। हाय, आ गई मैं ऊपर, सारा काम निपटा के, सबको खाना खिला के, बर्तन साफ करके, किचन साफ करके, और सबको, मैंने नहीं खाना खाया, मेरा हो गया था पहले का, अब दोबारा नहीं खाना,
मेरा बहुत मन था चने खाने का, क्योंकि मुझे सूखे चने बहुत ज्यादा पसंद है। और मम्मी बार बार बोल रहे, मनिका बड़े अच्छे बने हैं, काले बड़े अच्छे बने हैं। उनको बड़ा होता है कि मैं खाना क्यों नहीं खा रही हूँ। बार बार बोलेंगे खाना क्यों नहीं खा रही है, खाना क्यों नहीं खा रही है। पूरी दुनिया को यही बोलते हैं कि ये रोटी नहीं खाती है, ये रोटी नहीं खाती है। मम्मी को मेरे खाने की बड़ी टेंशन है, और मेरी क्या, उनको सबके खाने की बड़ी टेंशन होती है कि खाना क्यों नहीं खा रहे। तो एनीवेज वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आज भी इंटरनेट नहीं चला तो वीडियो अपलोड नहीं हुई, कल डाल दूंगी। यही चल रहा है, मैनेज कर लो प्लीज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सियाराम।